अमेरिकी बैंक जेपी मॉर्गन के साथ एक बड़ा प्रैंक हो गया। ये प्रैंक हुआ है फाइनेंशियल प्लानिंग वेबसाइट फ्रैंक के कारण। एसेट यानी संपत्ति के लिहाज से जेपी मॉर्गन बड़ा नाम है। ये दुनिया की सबसे ताकतवर देश यानी अमेरिका का सबसे बड़ा बैंक है। अब इतने बड़े बैंक को किसने चूना लगाया, ये सारी जानकारी आपको हमारे इस वीडियो में मिलेगी, लेकिन इसके लिए आपको हमारे वीडियो अंत तक देखना होगा। असल में जेपी मॉर्गन को एक फाइनेंशियल प्लानिंग वेबसाइट फ्रैंक ने चूना लगा दिया है। इस वेबसाइट को जेपी मॉर्गन ने 1423 करोड़ रुपए में साल 2021 में खरीदा था। ये एक स्टार्टअप वेबसाइट थी जो साल 2017 में बनाई गई थी। इसका काम कॉलेज स्टूडेंट्स को एजुकेशन लोन देने में मदद करना था। अब धोखा क्या हुआ और कैसे हुआ ये जान लीजिए। फ्रैंक की फाउंडर चार्ली जेविस और फ्रैंक के चीफ ग्रोथ ऑफिसर ओलिवियर आमर जब जेपी मॉर्गन के साथ 1423 करोड़ रुपए की डील कर रहे थे, तब उस समय इन दोनों लोगों ने जेपी मॉर्गन को बताया कि इनकी स्टार्टअप वेबसाइट पर 42 लाख से ज्यादा छात्रों ने अकाउंट बनाए हैं। लेकिन जब जांच पड़ताल की गई तो ये आंकड़ा झूठ निकला। 42 लाख के बदले असल में उस स्टार्टअप वेबसाइट पर सिर्फ 3 लाख यूजर थे। अब जैसे ही जेपी मॉर्गन को फ्रॉड का पता चला, कंपनी ने फ्रैंक की फाउंडर चार्ली जेविस के खिलाफ डेलावेयर कोर्ट में केस दाखिल कर दिया। अब इस केस में जेपी मॉर्गन ने क्या क्या आरोप लगाया ये जान लीजिए। जेपी मॉर्गन ने आरोप लगाया कि जेविस ने वेबसाइट की सफलता यानी सक्सेस को लेकर झूठ बोला है। जेविस ने यूजर के नाम, पता, जन्मदिन और दूसरी निजी जानकारियों का भी फर्जी आंकड़ा दिया है। शिकायत ये भी की कि जेविस ने प्राइवेसी का हवाला देते हुए शुरुआत में कस्टमर की जानकारियों को शेयर करने से मना किया, लेकिन जब कंपनी ने जोर दिया तो जेविस ने लाखों फर्जी यूजर्स का डेटा शेयर कर दिया। जेपी मॉर्गन ने यह भी बताया कि इस फर्जी अकाउंट बनाने के लिए एक डेटा साइंस प्रोफेसर की मदद ली गई। ये प्रोफेसर न्यूयॉर्क में एक कॉलेज में पढ़ाते हैं और इस काम के लिए उन्होंने 14 लाख से ज्यादा रुपए चार्ज किए हैं। अब एक पक्ष की बात आपने सुनी, अब आइए दूसरे पक्ष पर, यानी फ्रैंक के फाउंडर चार्ली जेविस ने जेपी मॉर्गन पर क्या आरोप लगाए हैं ये जान लें। चार्ली जेविस के वकील ने सारे आरोपों से इनकार कर दिया है और जेविस ने भी कुछ दिन पहले जेपी मॉर्गन के खिलाफ केस कर दिया है। जेविस ने आरोप लगाया कि जेपी मॉर्गन बैंक ने उन्हें गलत तरीके से नवंबर 2022 में नौकरी से निकाल दिया था ताकि उन्हें 228 करोड़ रुपए का पेमेंट न करना पड़े। अब किसके दावों में कितनी सच्चाई है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इस प्रैंक के बाद जेपी मॉर्गन ने इस वेबसाइट को फिलहाल बंद कर दिया है। अब जाते जाते जेपी मॉर्गन के बारे में जान लीजिए। जेपी मॉर्गन ट्रेस एंड को एक अमेरिकी मल्टीनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क शहर में है। ये अमेरिका का सबसे बड़ा बैंक है और अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात की जाए तो ये दुनिया का सबसे बड़ा बैंक भी है। जेपी मॉर्गन ट्रेस अन्य बैंकों के साथ विलय और उन्हें खरीदने का काम करता है। इस बैंक का लंबा इतिहास है। बता दें इसकी बुनियाद 1871 में की गई थी। इस बैंक को जॉन परपोंट मॉर्गन ने स्थापित किया था, लेकिन साल 1895 में बैंक का नाम बदलकर जेपी मॉर्गन कर दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्ताक।